हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप अपने शैम्पू में दो ऐसी चीज़ों को ऐड कर लेते हैं जिसकी वजह से आपके बालों की हेयर ग्रोथ बढ़ेगी ही बढ़ेगी, फ्रेंड्स यकीन मानिए आज मैं आपको दो ऐसी चीज़ों के नाम बताऊंगी जिसको अगर आप शैम्पू में ऐड करके अपने बालों में लगा लेते हैं तो आपके बालों की हेयर ग्रोथ तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाएगी और आपके बालों की हेयर ग्रोथ को कोई भी नहीं रोक पाएगा। और दूसरा, आपके बालों की हेयर ग्रोथ ऐसे बढ़ेगी कि आपको तंग आकर हमेशा ही अपने बालों को कटवाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि हमारे सर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और इस कमी को दूर करने के लिए अगर हम अपने शैम्पू के साथ दो ऐसी चीज़ों को ऐड करके अपने सर में लगाएंगे तो आपके बालों की हेयर ग्रोथ को कोई भी नहीं रोक पाएगा और आपके बालों की हेयर ग्रोथ बढ़ने के साथ साथ आपके बाल लंबे, काले, घने हो जाएंगे और आपके बालों की जो सभी समस्याएं होती हैं, दो मुहापन, बालों में चमक ना आना, आपके बाल एकदम से सिल्की सा स्मूथ हो जाएंगे और आपके बाल ऐसे लगेंगे मानो आपने अपने बालों में रिबॉन्डिंग करवाई हो। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपने शैम्पू में ऐसी कौन सी दो चीज़ों को ऐड करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे क्लिनिक प्लस शैम्पू ले रही हूँ। अगर आप अदर कंपनी के शैम्पू या फिर जिस भी कंपनी के शैम्पू को आप यूज़ करते हैं आपको वो शैम्पू लेना है। और दूसरा, अगर आपके बाल थोड़े घने हैं और गर्ल्स हैं, दो शैम्पू अपने बालों में यूज़ करते हैं तो आप दो शैम्पू का यूज़ कीजिएगा। आपको लेना है एक क्लीन बॉल और इसमें आपको शैम्पू को ऐड कर लेना होगा। शैम्पू को ऐड कर लेने के बाद अब आपको इसमें ऐड करना होगा कपूर। जो फ्रेंड्स कपूर की गोलियां आप पूजा के टाइम यूज़ करते हैं आपको वो कपूर अपने बालों में लेना होगा। अगर आप बॉयज़ हैं तो एक गोली और गर्ल्स हैं तो दो गोली भी ले सकती हैं। आपको फ्रेंड्स इसका पाउडर बनाकर इसमें ऐड कर लेना होगा। मैंने फ्रेंड्स दो गोलियों का पाउडर बना लिया है। ये बहुत ही इजी से इसका पाउडर बन जाता है। पाउडर को बनाने के बाद अब आपको इसमें दूसरी चीज़ ऐड करनी है, वो है हनी। हनी भी फ्रेंड्स हमारे बालों की हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये बालों में जान डाल देता है, बालों को सिल्की साइड स्मूथ कर देता है और बालों की जड़ों में लगने के बाद बालों को तेज़ी से मजबूती देता है, जिसके कारण बाल तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। आपको इसमें आधे चम्मच से थोड़ी ज़्यादा मात्रा में शहद को ऐड करना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हैं वो दो चीज़ें जो आपको अपने शैम्पू में ऐड करनी है। अब आपको इसे मिक्स कर लेना होगा। ये फ्रेंड्स अच्छे से मिक्स हो चुका है। मिक्स करने के बाद आपको इसे 2 मिनट तक ऐसे ही रखकर छोड़ देना होगा। उसके बाद ही आपको इसे यूज़ करना होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे अपने बालों में किस तरह से लगाना है। बालों में इसे का यूज़ करने से पहले आपको अपने बालों में एक काम और करना होगा। आपको अपने बालों की जड़ों में लगाना होगा तेल। आप जौन सा भी तेल अपने बालों में यूज़ करते हैं उस ऑयल से अपने बालों की 15 मिनट तक पहले मसाज कीजिएगा। जब 15 मिनट की मसाज आपके बालों में हो जाएगी तो उसके बाद आपको उस तेल को अपने बालों में 2 घंटे तक लगाकर छोड़ना होगा। फ्रेंड्स, बालों में ऑयल बहुत ही ज़रूरी होता है। जिस तरह से हमारे शरीर को खाने की ज़रूरत होती है, पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, उसी तरह से बालों को सबसे ज़्यादा पोषक तत्व तेल से ही मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जब भी सर धोना है उससे पहले आप अपने बालों में तेल ज़रूर लगाइए। उसके बाद आपको इस पेस्ट से अपने बालों को वॉश करना होगा। आपको वॉश कैसे करना है, सबसे पहले पानी की सहायता से अपने बालों को गीला कीजिए, थोड़ा सा पेस्ट लेकर अपने बालों में लगाइए और अपने पूरे बालों की जड़ों में अच्छे से मसाज कीजिएगा। इस तरह से आपको दोनों हाथों से मसाज करनी है और धीरे धीरे आपको उस मसाज को करते रहना है लगभग 2 मिनट तक। धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके अपने बालों में लगाते रहिएगा और मसाज भी करते रहिएगा। इसका यूज़ करने से आप देखिए कि आपके बालों की हेयर ग्रोथ कैसे बढ़ रही है। और जब आप इसका यूज़ करके अपने बालों में कंघी करेंगे तो आप अपने गीले बालों में ही कंघी करें। ऐसा करने से बालों में बिल्कुल भी उलझने नहीं आती हैं। दूसरा, जब आप कंघी करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बाल कंघे में बिल्कुल भी नहीं आए हैं और आपके बाल एकदम से भी
मजबूत हो गए हैं। जब आपके बाल सूख जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके बाल कैसे स्मूथ हो गए हैं, आपके बालों में कैसे चमक आ गई है। तो आप इसका यूज़ करते रहेंगे तो आपके बालों की सभी समस्याएं 1 महीने तक दूर हो जाएंगी। लगातार आपको इसका यूज़ करना है 1 महीने तक, और वीक में एक बार ही इसका यूज़ करना है। इसके अलावा अगर आप वीक में शैम्पू करेंगे तो आप नॉर्मल शैम्पू कीजिएगा, लेकिन वीक में इसका एक बार ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो आप इसका यूज़ करके देखिए कि ये कैसे आपके बालों में नई जान डाल देता है और कैसे आपके नए बाल भी तेज़ी से उगा देता है। तो ये था आज का मेरा नुस्खा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।